गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 15 सुंदरी, इसके थर्ड वीडियो का आज हम बनाने जा रहे हैं जो कि वोक्यूबुलरी में है। इसके पहले हमने लेसन एक्सप्लेन कर लिया था, उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर को भी देख लिया सेकंड वीडियो में, और आज हम इसके ग्रामर पोर्शन में वोक्यूबुलरी में हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए नंबर में, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ काइट, डिस्क्राइब हाउ इट लुक्स एज द गिवन वर्ड, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है यह पतंग का चित्र है जिसे दिए गए शब्दों का उपयोग कर उसके बारे में लिखो। तो देखिए यहाँ पे इन शब्दों का उपयोग करके पतंग के बारे में हमको कुछ लिखना है, जैसे कलरफुल, है ना, द काइट इज सो कलरफुल लिख सकते हैं। सेकेंड है लॉन्ग, काइट हैज़ लॉन्ग टेल लिख सकते हैं, है ना। ऐसा करके हमको इसके शब्द के सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड्स के। बी है राइट ऑपोजिट, मतलब हमको यहाँ पे विलोम शब्द लिखना है, जैसे हाई का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लो, तो यहाँ पे एल ओ डब्ल्यू लो लो। नियर का क्या हो जाएगा, फार, फार मीन्स क्या होता है, दूर। लॉन्ग का क्या हो जाएगा, शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा। फोर्थ है हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है सैड। फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स होता है लास्ट। ये हो गया इसका विलोम शब्द। उसके बाद सी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है और उसके करेक्ट वर्ड्स हमको लिखना है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं इसे आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आई बॉट अ काइट यस्टरडे, आई मेड अ स्माइली फेस ऑन इट, आई वेंट इन टू ओपन स्पेस, आई टायर्ड टू फ्लाई इट, द विंड कम एंड इट लैप्ड अप इन द एयर, द हार्ट आई लेट गो ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट इज फ्लू अप, फ्लो अप एंड अप एंड अप। इसके बाद है सिक्स स्ट्रक्चर इन द कॉन्टेक्ट, रीड द सेंटेंस एंड प्लेस द एडजेक्टिव इन द करेक्ट प्लेस। तो हमको यहाँ पे सेंटेंस को रीड करना है और उसके ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है उसको करेक्ट जगह पे हमको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे दिया है सुंदरी वॉज अ काइट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुंदरी वॉज अ ब्यूटीफुल काइट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सुंदरी वॉज अ काइट, तो ब्यूटीफुल हमको जोड़ना है, तो सुंदरी वॉज अ ब्यूटीफुल काइट। टू नंबर है बॉबी लुक फॉर स्पेस ओपन, तो बॉबी लुक्ड फॉर ओपन स्पेस, ये ओपन यहाँ फॉर के बाद आ जाएगा। मैरी गो अराउंड वॉज प्लेइंग अ टर्न हैप्पी, तो मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी टर्न। अ डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर टेल लिटिल लॉन्ग, अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल। फिफ्थ है बॉयज एंड गर्ल वेयर सिटिंग ऑन द एनिमल ऑफ मैरी गो राउंड, वुडन, वुडन को हमको जोड़ना है, बॉयज एंड गर्ल वेयर सिटिंग ऑन द वुडन एनिमल ऑफ मर्सी गो राउंड। सिक्स्थ है सुंदरी वॉज अ काइट बिग रेड वाइट एंड ब्लू, तो सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। फोर्थ है ए बी नंबर है शॉर्ट आउट ऑल द ड्यूरिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट डैम विद देयर थ्री फॉर्म्स। हमको यहाँ पे थ्री फॉर्म्स इसका करना है, तो जैसे मेक मेड मेड, है ना, जैसे यहाँ पे है मेक मेड मेड, तो यहाँ पे हो जाएगा लुक एल डबल ओ के लुक, लुक्ड एल डबल ओ के ई डी लुक्ड, और एल डबल ओ के ई डी
LOOKED लुक्ड, है ना। सी नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स ग्रिड विद वर्ब फ्रॉम द स्टोरी, मतलब हमको स्टोरी से कुछ वर्ब को ढूंढना है और उसे यहाँ पे लिखना है, जैसे LEPTUGELOOKSHOOLD। थैंक यू।